नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने एमएस इन जनरल सर्जरी, एमसीएच सुपर स्पेशलाइजेशन जिसे बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी में किया है। मैं डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जन सर्जरी और मैं फेलो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो हम लोगों को मेल पे या व्हाट्सएप पे या इससे मिलती है वो ये है कि क्या मैस्टर्बेशन करने से या ज़्यादा सेक्स करने से या नाइटफॉल होने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही चीज़ें प्राकृतिक है। इन तीनों ही चीज़ों से मीन्स मैस्टर्बेशन करने से या ज़्यादा सेक्स करने से या नाइटफॉल होने से बालों के झड़ने का कोई रिलेशन नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। वैज्ञानिक आधार पे, तर्कों के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इसका और हेयर फॉल का कोई रिलेशन नहीं है। हेयर फॉल का जो मोस्ट कॉमन कॉज है मेल हार्मोन और जेनेटिक्स है। जब आप 16, 17, 18 साल के होते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, उस वक्त दाढ़ी मूछें आना शुरू होती है, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आपकी लिबिडो मींस सेक्स डिज़ायर बढ़ती है। यदि आप मैरिड होते हैं या गर्लफ्रेंड होती है तो उसके साथ आप ज़्यादा सेक्स करते हैं या फिर आप मैस्टर्बेट करते हैं, और ये नहीं करते हैं तो वो प्राकृतिक रूप से जो है वो निकलता है, जिसे कि हम नाइटफॉल कहते हैं। ये जो सीमन होता है ये डे टू डे का प्रोडक्शन है। इसको लेके बहुत सारे मिथ है कि मेस्टुबेशन या नाइटफॉल या ज़्यादा सेक्स करने से आदमी कमज़ोर हो जाता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये प्रकृति स्वयं पैदा कर रही। आप इसको ऐसे ही मानिए जैसे आप यूरिन के लिए जाते हैं, जैसे आप डिफिकेशन मीन्स लेटरिन के लिए जाते हैं, ऐसे ही जब भी चीज़ें इकट्ठी होगी वो आपके शरीर से निकलेगी। जैसे पसीना आना है, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया पसीने के रूप में निकलेगा या यूरिन के रूप में निकलेगा। तो ये भी एक ऐसा जो डे टू डे का हमारे टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं सीमन को, वो जो ही कलेक्ट हो जाता है वो यदि नहीं निकल रहा है तो वो इस रास्ते से निकलता है। इसलिए उससे किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी आना या बालों का झड़ना, मानसिक कमजोरी आना या मेमोरी कम होना बिल्कुल भी नहीं होता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत सारे नीम हकीम खतरे जान हैं, वो इस मानसिक कमजोरी का, इस मानसिक वैचारिक कमजोरी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे नवयुवकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारा उनसे पैसा वसूल रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुंठाग्रस्त कर रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मोटी भाषा में बोल सकता हूँ कि मैं एक बड़ा डॉक्टर हूँ क्योंकि मैंने सारी डिग्रियाँ हासिल की है। तो मैं वैज्ञानिक आधार पर, मेडिकल आधार पर मैं आपको पूरा अश्योर कर देना चाहता हूँ कि इससे मैस्टर्बेट करने से, नाइटफॉल होने से या ज़्यादा सेक्स करने से बालों के झड़ने का, शारीरिक कमजोरी का, मेमोरी के कम हो जाने का कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या और क्यों होता है? क्योंकि जब आपका हार्मोन बढ़ता है, वो जो हार्मोन जब दाढ़ी लाता है, आप में सेक्स की डिज़ायर पैदा करता है, वो ही हार्मोन उसी वक्त आपके सिर के बालों को झड़ाता है। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए आप दोनों को लिंक कर देते हैं। एक ही हार्मोन है, वो दाढ़ी मूछें लाता है, सेक्स की डिज़ायर बढ़ाता है, वही हार्मोन सिर के ऊपर के बालों को झड़ाता है। तो वो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, न कि आपकी ये तीनों क्रियाएँ रेस्पॉन्सिबल है। आप करो या न करो, वो हार्मोन तो आपके शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है, और उस हार्मोन के तहत जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है आनुवांशिक रूप से झड़ने के लिए, जो बालों की जड़ें प्रोग्राम हो गई है, वो ही बालों की जड़ें गिरेगी, न कि आपके मैस्टर्बेट करने से या नाइटफॉल होने से या ज़्यादा सेक्स करने से। अतः मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से मैं आपको बताऊँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आपको हर चीज़ संयमित रूप से, संयम रूप से करनी चाहिए। जैसा हमारे शरीर की डिमांड है वैसा करनी चाहिए,
गलत साहित्य से बचना चाहिए, गलत प्रकार के वीडियो से बचना चाहिए। इससे मानसिक विकार पैदा होते हैं और ये मानसिक विकार आपके ग्रोथ में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपको अधिकता से, हर चीज़ की अधिकता से बचना चाहिए। अच्छा भोजन लें, नियमित एक्सरसाइज करें, स्नान करें, शुद्ध रहें, तो इससे आपकी ये प्रवृत्ति भी कंट्रोल में रहेगी। अतः दोस्तों, जब भी आपको लगता है आप और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल से आपकी समस्याएं लिख सकते हैं anil@anilgarg.com पे, और वेबसाइट का नाम है www.anilgarg.com। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भेज सकते हैं आपकी समस्याओं को, और फ़ोन नंबर है 9144443। नमस्कार, थैंक यू।